आज हम दिखलाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक वायरिंग की झिरी कैसे काटी जाती है। एसी पॉइंट है या बाथरूम में गीजर पॉइंट है या लाइट पॉइंट है या बेड स्विच की है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। छः रूम और सेपरेट लेटरिन बाथरूम वायरिंग के बारे में, जैसे रूम में इन कर रहे हैं और ये सामने आप देख रहे हैं ये एसी का पॉइंट है और इसका कंट्रोल जो होगा यहाँ से ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप बोर्ड, ये बाथरूम है, लेटरिन बाथरूम है, इसकी झीरी कटिंग चल रही है, ठीक है, वो भी कटिंग है एक तरह की। और ये मेन डोर है, मेन डोर के पास बगल में यहाँ स्विच बोर्ड है। और फिर आएंगे ये सामने, ये सीढ़ी है, ये सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर है। फिर इस रूम में ये झिरी कट रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड रहेगा, ये झिरी कटने के बाद यहाँ पे बोर्ड रहेगा, फिर यहाँ पे भी बोर्ड रहेगा, देख रहे हैं आप। और ये आप गौर से यहाँ देख, वो पाइप वहाँ से कटिंग होके आया है, फिर यहाँ से आके मिल गया है, फिर उधर गया वो कटिंग, और यहाँ पे बोर्ड रहेगा इस रूम में। फिर यहाँ पे क्या है, एसी का पॉइंट है, देख रहे हैं ये कटिंग है, ठीक है। और ये कटिंग के यहाँ पे बोर्ड रहेगा, इसका कंट्रोल बोर्ड, और एसी का पॉइंट वहाँ पे रहेगा इस रूम में। यहाँ पे टू वे बोर्ड, बेड यहाँ लगेगा, इस एरिया में बेड लगेगा, यहाँ बेड के पास पॉइंट रहेगा, और ये स्विच बोर्ड का पॉइंट रहेगा दरवाजे के पास, ठीक है। यहाँ पे टीवी वगैरह डाल सकते हैं बीच सेंटर में, इसके लिए है ये। और इसके बाद आइए फिर इधर, और इसमें क्या है, फिर ये लेटरिन बाथरूम, इस बाथरूम हो गया और ये पूरा हॉल हो गया, बड़ा लंबा सा, ठीक है, लंबा सा ये हॉल हो गया, ठीक है। फिर ये रूम है एक, इस रूम में सामने एसी है और ऊपर पॉइंट है, जैसे देख रहे हैं वो कटिंग हुआ है उसी जगह पे, ठीक है, वहाँ से ऐसे कटिंग होके आया है। और ये यहाँ पे आके यहाँ पे बोर्ड रहेगा और इसके ऊपर एसी का पॉइंट रहेगा, ठीक है। और ये फिर सामने इस दीवार पे है, वहाँ पे पॉइंट रहेगा और यहाँ पे बोर्ड रहेगा और यहीं पे बेड रहेगा और बेड स्विच रहेगा। इस रूम में क्या है, ये डोर है और यहाँ पे बोर्ड रहेगा, मेन स्विच बोर्ड, और ये बगल में बाथरूम है, इस बाथरूम में गीजर का भी पॉइंट रहेगा, ठीक है, और वो देख रहे हैं पॉइंट सब। फिर आएंगे इस बगल वाले रूम में, फिर ये छोटा सा एक रूम है, इसमें भी ये कटिंग हो रहा है, ये लगावा वर्कर ये देख रहे हैं ग्राइंडर हैंड में लिया हुआ है और ये काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए जीरी कटिंग हुआ है पूरा लाइटिंग का, और ये भी लेटरिन बाथरूम है, यह अटैच लेटरिन बाथरूम ये रूमों का है, ठीक है। और ये सब कटिंग हो रहा है, ये कटिंग हुआ है, आप गौर से देखिए, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड रहेगा। फिर ये हॉल बहुत लंबा हॉल है, इसमें फॉल सीलिंग होगा, फिर भी पॉइंट ऊपर डाला हुआ है, जैसे फैन वगैरह का पॉइंट डाला गया है, लेकिन ये फॉल सीलिंग किया जाएगा, इसकी अलग तरह से वायरिंग की जाएगी, उसको भी हम वायरिंग करेंगे, दिखलाएंगे आपको। ये तो अभी झेरी कट रहा है, जैसे ये भी रूम है, इस रूम में वो सामने एसी का पॉइंट रहेगा, फिर इस साइड एक पॉइंट रहेगा, पाइप दिख रहे हैं, फिर वो रहेगा, फिर ये लेटरिन बाथरूम है, ठीक है, ये झेरी कट रहा है यहाँ पे पॉइंट के लिए, ठीक है। फिर इस रूम में भी एक रूम यहाँ पे है, अब छः रूम का आपने देख लिया, ठीक है। और ये बाहर सब बड़ा सा है, देख रहे हैं ये कंपाउंड, इसमें पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, तो ये झिरी कटने का प्रोसीजर है, इसको हम पार्ट बाई पार्ट बना के दिखाएंगे कि छः रूम की कैसे वायरिंग करते हैं, जैसे कि इसमें किस तरह से वायरिंग किया जाता है, ठीक है, झिरी कटिंग किस तरह किया जाता है, किस पॉइंट से किया जाता है और किस तरह कटिंग किया जाता है, ये तो आप देख रहे हैं। और इसको पार्ट बाय पार्ट बना के दिखाएंगे, जैसे इसका पार्ट बाय पार्ट आपको दिखलाया जाएगा, वो सामने एसी का पॉइंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे स्विच बोर्ड रहेगा, एक मार्किंग यहाँ लगा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे फिर टीवी का पॉइंट रहेगा, ठीक है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि सबका सेपरेट वायरिंग किया जाएगा, अगर आप जानना चाहते हैं इसका वायरिंग कैसे कंप्लीट होगा, तो ज़रूर देखिएगा अगले वीडियो को। ये पार्ट वन रहा, पार्ट टू फिर डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जितने पार्ट होगा पूरा स्पेशल। इसमें कहने का मतलब एसी बहुत ज़्यादा है, 1, 2, 3, 6 रूम है, 6 का AC है, ठीक है। उसके बाद लेटरिन बाथरूम अटैच भी 6 है, और ये बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में क्या होगा, इस सामने वाले पे टीवी डाला जाएगा, ठीक है। इस साइड सोफा वगैरह सब लगाए जाएंगे, ये फॉल सेलिंग किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में आपने देखा कि झीरी कटिंग कैसे करते हैं, ग्राइंडर मशीन से और छेनी हथौड़ी से कैसे तोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको दिखलाएंगे पाइप फिटिंग कैसे करते हैं, वायर कैसे डालेंगे, स्विच बोर्ड कैसे डालेंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों।